Hello viewers, welcome you all to my channel Life is Awesome. तो देखिए दोस्तों, ये जो वर्क चल रहा है अंडर माय दिस वर्क इज़ अंडर माय प्रोजेक्ट एंड ये जो है ना एक टू स्टोरी मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, दो मंजिला इमारत है। एंड अभी आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बाहर के डिटेल्स बताना चाहता हूँ, जैसा छत में यूज़ होता है मेन बार और सेकेंडरी बार एंड कॉलम में भी मेन बीम एंड दूसरा वाला सेकेंड बीम, जैसा एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल जो रहता है ना लेंथ इनटू ब्रेथ में, जैसे कि ये हो गया मेन बीम और ये हो गया सेकेंड बीम, जिसके अंदर बार्स कम यूज़ करते हैं, जिसका साइज़ बार कम साइज़ वाला बार यूज़ करते हैं। एंड वहाँ पे जो है हिडन बीम जो है ना छत के अंदर ही छुप जाता है, वहाँ पे आप देख सकते हो, उधर वो है हिडन बीम। तो अभी स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके सभी का डिटेल्स बताना चाहता हूँ, बार्स का और कॉल इसके अंदर कितना एमएम का बार यूज़ करते हैं। सो वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग अंडर माय प्लान। ऑलमोस्ट देखिए छत पड़ गया, नीचे का ग्राउंड फ्लोर का जो है गिला हुआ भी हो गया, फर्स्ट फ्लोर का जो है फ्रेमवर्क हो गया। आई थिंक अभी एक 2-3 मंथ में हो जाएगा, कम्प्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा। ओके तो देखिए दोस्तों, ये है 30x40 वेस्ट फेस का है एंड इसमें जो है ना टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसा वहाँ पे एक कॉलम हो गया एक दो और एक तीन, तीसरा वाला कॉलम है वहाँ पे, उसी तरह से टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स है। टोटली 12 नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जहाँ पे उन्होंने बैठे हैं ना उधर एक स्क्वायर कॉलम है, 9x9 का कॉलम डमी कॉलम है, फिर सॉरी 12x12 का डमी कॉलम है वहाँ पे एक और एक दो, जो है आपको स्टेयरकेस को सपोर्ट कर रहा है। ओके अब हम शुरू करते हैं कॉलम से। ओके जैसा आप देख सकते हैं इधर बार्स क्लियरली, ये बार यहाँ इसके अंदर टोटल 6 बार्स है, 6 बार्स में हम क्या किया है एक दो तीन और चार जो है 16 mm का यूज़ किया गया है फिलहाल इस डिज़ाइन के लिए एंड दो जो है ना 12 mm का यूज। ओके ये बीच में जो आ रहे हैं ना ये दो जो है ना 12 mm का यूज़ किया गया है, बाकी का चार जो है 16 mm का। बट ग्राउंड फ्लोर में क्या किया है, ग्राउंड फ्लोर में जो है ना पूरे के पूरे 6 के 6 क्या है 16 mm का यूज है। ओके एंड फर्स्ट फ्लोर क्या है, हम इन दो को निकाल के जो है 16 mm का निकाले, 16 के बदले 12 का यूज़ किया है। ओके आई थिंक इसको क्लियर हो गया। अभी लाइट टाइज आते हैं इसके अंदर, टाइज या फिर जैसा बीम को ऐसा स्टिरप्स है ना उसी तरह से कॉलम को भी टाइज आते हैं, टाइज के लिए 8 mm का यूज़ किया है। आप चाहे तो 6 mm का यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर को, डिपेंड करता है, टोटल डिपेंड करता है लोड और उस पर डिपेंड करता है दोस्तों किस तरह से यूज़ करना चाहिए नहीं। ओके एंड अब हम बात करते हैं बीम के बारे में, जैसा ये आपका समझ लीजिए लेंथ के ब्रेथ के तरफ जाने वाला ये बीम, 30 फीट के तरफ जाने वाला बीम और ये 40 फीट के तरफ जाने वाला ये दूसरा बीम। इस बीम के अंदर 16 mm का टॉप पे जो है ये यूज़ नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज बीम के अंदर जो है टेंशन पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए इधर आपका एक कॉलम है, इधर दूसरा कॉलम है एंड इस पर अगर आप वज़न भी पड़ गया तो ये क्या होता है, ऐसा पड़ जाता ना, उसकी वजह से जो है नीचे ज़्यादा बार चाहिए उसके लिए, टॉप में नहीं है तो भी चलेगा, टॉप में 2 है इनफ था, यहाँ पे नेसेसरी नहीं था फिर भी डालेंगे। एंड नीचे जो है दोस्तों 16 mm का एक दो एंड इन बिटवीन 12 mm का एक डाला गया है इस तरह से बीम, एंड एट सेंटर ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ये स्टिरप्स और स्टिरप्स से इन बिटवीन से जो है 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ओके एंड अभी नेक्स्ट बीम का हुआ है और ये दूसरा वाला बीम, इधर देखिए फ्रेंड्स इधर कुछ अलग है, इसके अंदर 16 mm का बार यूज़ नहीं किया गया है, ओनली 12 mm का एक दो तीन और नीचे जो है सेम उसी तरह 3 बार्स, एक जैसा आप देख सकते हो उधर एक दो और एक तीन,
सो तीन बार्स नीचे भी। अब हम बात करते हैं, छत पे आ जाते हैं। छत से आने से पहले मैं आपको हिडन बीम दिखाना चाहता हूँ। हिडन बीम कहाँ पे यूज़ होता है? तो कॉलम हमारा यहाँ पे है, ओके। ये कॉलम इधर देख रहे हैं, इसके आगे क्या है, उधर कोई सपोर्ट नहीं है, हैंग कर रहा है उधर कैंटिलीवर के जैसा। जैसा मैं पेन पकड़ा हूँ, ओके। इधर कॉलम है जहाँ पे मेरा फिंगर से, उधर कॉलम है, एंड इधर जो है ना झुक जाता है। तो उसके लिए क्या है, वो बीम का सपोर्ट, हिडन बीम का सपोर्ट जो है मेन बीम पे आना चाहिए। उसका जो भी लोड रहता है ना, जहाँ अगर मैं वहाँ पे ठहरा भी, समझ लीजिए, ठहरने के बाद क्या झुकने का कोशिश करता ना, वो झुकाने नहीं देता है। जैसा हिडन बीम का लोड जो है मेन बीम पे लेता है, मेन बीम से जो है कॉलम पे आ जाता है वज़न। तो उसका डिज़ाइन कैसा है देख लीजिए। जैसा इसके अंदर 10 mm बार यूज़ किया है हिडन बीम के अंदर, 10 mm बार्स, चार, 1, 2, 3, 4। जैसे छत रहता है 4 इंच से लेके 5 इंच तक, 4.5 इंच का भी रहता है, डिपेंड करता है स्लोप किस तरह। अगर शुरुआत वहाँ पे है तो 5 इंच रहेगा, स्लोप नीचे जो है उधर 4 इंच तक आ जाएगा, तो उस तरह से। तो हिडन बीम के अंदर 10 mm का बार यूज है, एंड 1 फीट दूरी पे जो है लैटर स्टिरप्स आ गए हैं बीम के अंदर। तो ये हो गए हिडन बीम पूरा, ऐसे ये दिखता नहीं है, पूरा छुप जाएगा अंदर ही, छत के अंदर छुप जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं छत में बार्स। तो छत के अंदर देखिए 8 mm और 10 mm बार यूज़ किया जाता है नॉर्मली कहीं पे भी। एंड हमारे साइड स्पेशली बीदर साइड तो कॉमन है, अगर फंक्शन हॉल रहा या फिर स्कूल कॉलेजेस रहते हो उसका डिज़ाइन अलग रहेगा। तो नॉर्मली मैं एक्सपर्ट हूँ सिर्फ और सिर्फ 2-3 स्टोरी वाला बिल्डिंग्स में, तो उसके अनुसार इसका डिज़ाइन इस तरह से दिया गया हूँ। जैसा आप देख सकते हैं ये मेन बार और ये सेकेंडरी बार। मेन बार में जो है 10 mm का बार दिया गया है नीचे, ये नीचे की तरफ रहेगा। एंड सेकेंडरी बार में जो है 8 mm का बार, ओके। अभी इसका बेंट अप करने का अभी वक्त है, जैसे कि अगर समझ लीजिए वहाँ से लेके यहाँ तक जो है 9 फीट है, तो वहाँ से L/3 वो फार्मूला यूज़ करके वहाँ से 1.5 फीट और यहाँ से 1.5 फीट बीच में जो रहेगा, ऐसा बेंड करके करते हैं। अभी वो प्रोसेस नहीं है, अगर अभी वर्क अंडर प्रोसेस है ना इसकी वजह से। तो आई थिंक कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा आपको भी। तो देखिए दोस्तों कैसा लगा वीडियो, एंड मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे अंडर प्रोजेक्ट भी हुआ है, एंड आई होप कुछ ना कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। तो इस तरह का डिज़ाइन आप 3 स्टोरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। एंड इसमें कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो उसके लिए अलग डिज़ाइन रहेगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। ಚುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಕತ್ತ ಶೈಲಿಕ और वहाँ पे 2 9x12 का इंच का 2 डमी कॉलम, उसके अंदर 12 mm का बार्स, 6 और टाइज 8 mm एट 16 सेंटर टू सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।